हेलो नमस्ते दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज आपके साथ कुछ DIYs शेयर करते हैं जो बहुत क्विकली बनते हैं और शायद हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। इससे पहले मैं आपके साथ एक पार्सल अपना शेयर करूंगी जो मैंने मंगाया था। इसमें है ये कुछ गोल्डन और वाइट कलर में पेपर। चलिए अपना पहला DIY शेयर करते हैं आपके साथ। ये है मेरे पास जो टेप की रोल होती है वो ख़त्म हो गई थी टेप, और ये मेरे पास मैक्रम की जो धागा होता है वो है। इसको मैं अच्छे से इसमें चारों तरफ से इसके लपेट लूँगी। धीरे धीरे इसे हमें लपेटना है। आप चाहें तो कुछ थोड़ा सा धागा नाप के हिसाब से काट करके और उसे गोल गोल लच्छे जैसा बना करके उसे धीरे धीरे आप लपेट लीजिए। इससे जल्दी जल्दी हो जाएगा। और ये मैंने कुछ लीव्स बनाई थी घर DIY करके ही। इन लीव्स को मैं अब जो है कलर कर रही हूँ। इस लीव्स को मैंने कैसे बनाया अगर आप में से किसी को जानना हो तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। और इन्हें मैं आराम से ग्रीन कलर में एक्लेरिक कलर से इसे कलर कर रही हूँ। इस तरीके से मैंने 8-10 लीव बनाई थी जिन्हें मैंने सब पेंट कर लिया है। ये देखिए, इन्हें हम सूखने के लिए रख देंगे। अब मेरे पास थोड़ा जूट का भी रस्सी रखी हुई थी जिसे मैंने इसके साथ थोड़ा सा अटैच कर लिया है, और जूट और मैक्रम दोनों को मिला करके मैंने इसमें रोप जो है इसमें लपेट दी है। ऐसे करने से इसका लुक जो है वो काफ़ी डिसेंट लुक आता है। और आप चाहें तो अगर आपके पास सिर्फ मैक्रम है तो आप मैक्रम, या तो सिर्फ जूट है तो आप जूट, या ऊन या किसी और तरीके की लेस आप इसमें लगा सकते हैं। इसके बाद मेरे पास एक छोटी सी बॉटल रखी हुई थी, इस बॉटल को मैंने हाफ में काट लिया है। ये DIYs जो भी मैं आपको बताती हूँ बहुत क्विकली बनने वाले और बहुत आराम से वेस्ट मटेरियल से बनने वाले हैं। आप प्लीज़ मेरे सब DIYs को अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक किया करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब ये जो बॉटल हमने दो पीस में काटी थी, इसे मैंने जो मेटल कलर होता है उस कलर से मैंने इसको पेंट कर दिया। अब आप में से बहुत से लोग कहेंगे आपने इस पे जेसो नहीं करा है या आपने एक्लेरिक वाइट नहीं करा है, वो ऑलरेडी उसमें आराम से चढ़ गया था, आप चाहे तो उसको देख लीजिएगा। अब मैंने क्या करा है, जो हमने जूट रोप और लपेटा था रोल्स पे उसके ऊपर ही मैंने इस बॉटल को जो हमने हाफ शेप में काटा है इसे मैंने चिपका दिया है। और इसके साथ जो हमने लीव्स बनाई थी उन्हें धीरे धीरे ग्लू गन की सहायता से इसे मैं इस डिब्बे में जो हमने कटिंग करके इसमें लगाया है इस पर अच्छे से चिपका देंगे, जैसा लगेगा कि ये बेल्स जो है नीचे लटक रही हैं। ये देखिए, आपके पास अगर ग्लू गन नहीं है तो आप चाहे फेविकोल से या आप किसी और ग्लू से इसे चिपका सकते हैं जो अच्छा, जो चिपकने में अच्छा हो। ये देखिए, और इसमें मैंने रेड कलर का मेरे पास फ्लावर रखा था जो मैंने इस डिबिया में लगा दिया है। ये है इसका फाइनल लुक। देखिए कितना खूबसूरत सा एक DIY हमारा बनके तैयार है, डेकोरेशन पीस। और ये बहुत क्विकली और बहुत आसानी से बन जाता है। ऐसे हम किसी भी वेस्ट मटेरियल को बना लेते हैं अपने DIY में। अब मेरे पास है दूसरा DIY। इसके लिए मैंने ये कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है और इसको मैंने साइड से इस तरीके से कट करके ये शेप निकाला है। अब क्या करेंगे, इसको हम जो है नीचे बेस मजबूत देने के लिए थोड़ा सा कार्डबोर्ड को बराबर काट लेंगे और इसे नीचे चिपका देंगे। मैंने इसे ग्लू गन की सहायता से चिपकाया है जिससे बेस मजबूत हो जाए। आप चाहे तो फेविकोल या किसी और ग्लू से इसे चिपकाते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। इस तरीके से करने से ये काफ़ी मजबूत हो गया है। अब हम जिस चीज़ के लिए इसको बना रहे हैं उसमें हमें आसानी होगी। मेरे पास मोबाइल का पीछे का जो कवर होता है उस वो पड़ा हुआ था, टूटा हुआ, तो मैंने इसको क्या करा है इस डिब्बे के अंदर इसे अच्छे से चिपका दिया है जिससे ये फिक्स हो जाए। और जो ये इस तरीके से मैंने इसमें होल बना दिया है इसी के शेप का, जो मोबाइल का कवर था उसी के शेप का। अब जो है मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक कपड़ा रखा था, एक्चुअली ये लेस थी जो सूट के ऊपर लगती है, इसे मैंने इसमें अच्छे से चिपका दिया। आपके पास अगर कोई और कपड़ा हो या कोई और चीज़ अगर आप चिपकाना चाहते हैं तो आप उससे इसको डिज़ाइन दे सकते हैं। अब मैंने दोनों तरफ इस तरफ कार्डबोर्ड
और दूसरी तरफ से भी कार्डबोर्ड को अच्छे से चिपका दिया है, इससे इसको मजबूती मिलेगी और हमने एक डिज़ाइन भी इसकी क्रिएट करी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये आगे का हिस्सा है ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, तो क्या करेंगे, मेरे पास ये पेपर पड़ा हुआ था, ये वही पेपर है जो हम बच्चों की कॉपी किताबों में चढ़ाते हैं, तो ब्राउन शेड वाला, इसे मैंने काट लिया है इसका नाप लेकर के, और इस तरीके से मैं इसे नाप लेकर के काट लूँगी और इसको पीछे से आगे तक इसे मैं अच्छे से चिपका दूँगी। इस तरीके से हम जब भी कोई वेस्ट मटेरियल का कोई आइटम बनाते हैं तो वो हमारे यूज़फुल होता ही होता है और देखने में वो खूबसूरत भी लगता है। हमारे पास कोई भी चीज़ वेस्टेज होती है तो हमें लगता है कि इसे फेंकने से पहले क्यों ना हम इसके साथ कुछ DIY करके देखें। दोस्तों, मेरे पास बहुत से ऐसे आइडिया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। इस तरीके के बहुत से आइडियाज़ मेरे पास है जो बहुत आसानी बन जाते हैं। अब आगे मैं जो पेपर अच्छा नहीं लगा था तो इसके ऊपर मैंने इस तरीके से कार्डबोर्ड लगा दिया है और जो पीछे हमने वो होल बनाया था उसको मैं पेपर से खोल दूँगी, जो आगे बिल्कुल डिस्प्ले नहीं होगा और पीछे ही ये खाली खुला रहेगा। इस तरीके से चारों तरफ से इसको काट करके हम इसे अंदर की तरफ ग्लू गन या ग्लू की सहायता से चिपका देंगे, ये देखिए। और इसे मैं आप कलर कर लूँगी, आपका जो मन हो आप वो कलर करें। मेरे पास ब्लू कलर रखा हुआ था, मैंने इसको इसमें कलर कर दिया है। दोनों तरफ जहाँ हमने कार्डबोर्ड लगाए थे मैंने उसमें भी इनको कलर करके सेम कलर दिया है। अब इसमें मैंने इस पैचेस में से एक फ्लावर निकाला था और इस फ्लावर को निकाल करके अब मैं इसे ग्लू की सहायता से ऊपर इस तरीके से इसे डेकोरेट पीस की तरह बना दूँगी। ये मेरा जो डेकोरेटिव पीस है वो बनके तैयार है। इसे मैंने बनाया एज अ मोबाइल होल्डर। इस तरीके का यूनिक मोबाइल होल्डर आप अपने घर में खुद बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।